हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे वर्ल्ड रियलनेस चैनल में। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के एक ऐसे देश के बारे में जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो दोस्तों, वैसे सवाल को सुनने के बाद आपके दिमाग में भारत देश ही आता होगा, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत जैसा ही एक अन्य देश भी है जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ हिंदुओं की संख्या भी काफी मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है कि आज हम लोग जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश को छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं उस देश के बारे में। उस देश का नाम है फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद एक द्वीप देश है। यह न्यूजीलैंड से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और दुनिया का 15वें नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम फिजी देश की खूबसूरती और प्राकृतिक नज़ारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिजी का कुल क्षेत्रफल 18,274 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 9 लाख है। फिजी की कुल आबादी में से करीब 40% आबादी भारतीय है, बाकी की आबादी में चीन और यूरोप के लोग हैं। फिजी में बसे भारतीय लोग करीब 70% लोग हिंदू हैं, 16% लोग मुस्लिम और बाकी की आबादी सिख और ईसाई है। फिजी की राजधानी सुबा है और सबसे बड़ा शहर नसीनू है। फिजी की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन है। दोस्तों यहाँ घूमने जाने पर आपको भारत में ही होने का एहसास होगा। फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर, जिसकी कीमत करीब 33 भारतीय रुपए होती है। फिजी में कावा नामक ड्रिंक काफी प्रचलित है। यहाँ ये ड्रिंक फिजी का राष्ट्र ड्रिंक भी है और हर समारोह में यहाँ पिया जाता है। फिजी के लोग रग्बी खेल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और रग्बी यहाँ का राष्ट्र खेल भी माना जाता है। फिजी पूरी तरह से प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे झीले, कई सारे आइलैंड और तरह तरह की सांस्कृतिक विविधता है जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। फिजी की आय का मुख्य स्रोत भी टूरिस्ट ही है। टूरिस्ट के मामले में फिजी अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे निकल चुका है। फिजी में करीब 40% भारतीय है, फिर भी वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, इसके बाद हिंदू धर्म आता है। फिजी में बहुत ही मात्रा में हिंदू मंदिर भी मौजूद है। यहाँ के नांदी क्षेत्र में मौजूद शिव मंदिर इस देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दोस्तों जैसे कि हमारे भारत देश में एक परंपरा है जिसमें लड़की को लड़के से शादी करने पर लड़की वाले को दहेज के रूप में पैसे या फिर सोने चांदी देने पड़ते हैं, वैसे ही फिजी की तबुआ परंपरा के अनुसार एक लड़की को लड़के से शादी करने के लिए व्हेल मछली का दांत उस लड़की के पिता को देने पड़ते हैं। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। फिजी की आय का दूसरा स्रोत मछली, चीनी और नारियल के निर्यात से आता है। फिजी की राजधानी सुबा में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन बारिश जरूर होती है, इसी वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। फिजी के करीब 60% हिस्से में ही बिजली है। फिजी में भारतीय, चीनी और यूरोपियन संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ का नृत्य अफ्रीकी के आदिवासियों से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये रही फिजी से जुड़ी काफी सारी जानकारियाँ। क्या आपको पहले पता था दोस्तों इस देश के बारे में? नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।